सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत एग्ज़ाम है जिसमें टाइपिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, जैसे कि CGL है, CHSL है और भी बहुत एग्ज़ाम है जिसमें हम लोग रिटन में पास कर जाते हैं मगर टाइपिंग में फेल कर जाते हैं। इसकी मेन वजह है प्रैक्टिस ना होना, और प्रैक्टिस ना होने की वजह है हम लोगों के सबके पास कंप्यूटर ना होना और बाहर जाकर सेंटर में जाकर प्रैक्टिस करना बहुत महंगी पड़ सकती है और टाइम भी बहुत लगती है। तो इसीलिए हम लोग एक ट्रिक जानेंगे, जैसे कि स्मार्टफोन में टाइपिंग कर सकते हैं। इसके लिए हमें स्मार्टफोन चाहिए, एक OTG चाहिए और एक कीबोर्ड चाहिए। तो बाज़ार में दो तरह के कीबोर्ड OTG मिलता है, एक केबल वाला और एक केबल छड़। तो पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, OTG को एक एंड्रॉइड सेट में डालेंगे, फिर OTG का जो और एक पोर्शन है केबल का उसके साथ मैं कीबोर्ड का जो केबल है उसको डालूँगा डालेंगे आप लोग की डालेंगे। फिर सेटिंग्स ऑप्शन में जाएंगे आप लोग। सेटिंग्स में जाकर मोर सेटिंग्स नाम का और भी एक ऑप्शन है, उधर जाके OTG को क्लिक करेंगे। आप देखेंगे उधर जब ऑप्शन ऑप्शन में ऑफ ऑफ दिखा रहा है तो आप ऑन को कर दीजिए। तो उसके बाद आप लोग नोट पैड पर जाएंगे। आप लोगों के पास नोट पैड अगर नहीं हो तो डाउनलोड कर लीजिए पहले। फिर मेरे पास देखिए, मेरे पास नोट पैड है तो मैंने नोट पैड में क्लिक किया। जब भी मैं नोट पैड में क्लिक करूँगा तो उधर एक प्लस चिन्ह दिख रहा है, प्लस चिन्ह में क्लिक करूँगा। जब भी मैं क्लिक करूँगा तब भी मेरे को की डिप्रेशन करने के लिए एक जगह मिल जाएंगे। तो आप इसके बाद आप मोबाइल को एक सूटेबल जगह के सफा जगह पे रख दीजिए जिसको आपको सूटेबल लगे। तो इसके बाद मैं जब जो कुछ टाइप करूँगा तो जो हमारी जो मोबाइल है, मोबाइल का स्क्रीन में उसमें दिख जाएंगे। देखिए ASDFG मैंने लिखा, फिर स्पेस दिया, फिर और एक स्पेस दिया, और देखिए 1 2 3 4 5 लिखा, 6 लिखा। देखा जब भी जो कुछ लिख रहा हो तो वो मेरे जो कंप्यूटर सॉरी मोबाइल जो स्क्रीन है स्क्रीन में दिख रहा है। तो ऐसे करके आप भी इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने घर में बैठ के। धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही बहुत सारे वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।